नमस्कार मित्रों, आपके मन में वास्तुशास्त्र को लेकर कुछ प्रश्न होंगे, कुछ शंका होगी, कुछ मान्यता होगी, तो उस शंकाओं का, उस प्रश्नों का उत्तर ढूंढने हम आए हैं। आपके सारे प्रश्नों का सटीक उत्तर मिले इसकी हम कोशिश करेंगे। तो वास्तुशास्त्र है क्या? तो वास्तुशास्त्र दुनिया का एकमात्र ऐसा साइंस है जो कंस्ट्रक्शन या निर्माण संबंधित नियम बताता है। तो वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है। जब हम विज्ञान कहते हैं या किसी को साइंस कहते हैं, तो उसको स्पष्ट करने के लिए कुछ बातों की आवश्यकता होती है। एक तर्कशास्त्र पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सटीक तर्क होने चाहिए। दूसरी नियमबद्धता, उसमें नियम होने चाहिए। और तीसरी उसकी उपयोगिता, वो उपयोग में आना चाहिए। और उसके बाद में होता है कि यूनिवर्सल, मतलब सारे विश्व में वो लागू पड़ सके। आप पृथ्वी के किसी भी कोने में रहो, आपको गुरुत्वाकर्षण तो का जो है फल है जो, तो वो तो मिलता ही रहेगा। आप चांद जैसे उड़ोगे तो नहीं पृथ्वी पर, फिर अमेरिका में हो या और कहीं हो। सूर्य जो अपने किरणों के माध्यम से जो उजाला देता है वो सब जगह मिलेगा। सूर्य के ऊर्जाओं के अंदर जो छुपे हुए तत्व है वो सब जगह एक जैसे ही मिलेंगे, आप चाहो या न चाहो। आप दुनिया के कहीं भी कोने में कोई भी निर्माण करना चाहते हो तो वास्तुशास्त्र के नियम वहाँ लागू पड़ते ही है। भले आप वास्तुशास्त्र जानने वाले हो या नहीं जानने वाले हो, उस नियमों के जैसा काम होगा तो वैसा ही आपको उसका फीलिंग और फल मिलेगा। उस नियमों के विरुद्ध कुछ होगा तो वो तकलीफें जो होनी है वो होगी। जब एकमात्र शब्द बोलता हूँ तो आपके मन में शंका उठेगी, यार फेंग शुई भी तो है। हाँ है, लेकिन एक तो वो चीनी सीमाओं के अंदर काम करता है, बाहर काम नहीं करता। और दूसरा वो परिपूर्ण ग्रंथ नहीं है, वो चीनी लोगों के जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ एक बड़ा ग्रंथ है। उसमें एक छोटा सा चैप्टर मात्र कंस्ट्रक्शन की या निर्माण की बात करता है। और वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो पूरे विश्व में लागू पड़ सकता है। अब जब पूरे जगत के कल्याण के हेतु हम जब बोलते हैं तो फिर उसमें कोई प्रदेश नहीं आता, उसमें कोई धर्म नहीं आता, कोई पंथ नहीं आता, वो सबके लिए समान रूप से लागू होता है। और वास्तुशास्त्र बिल्कुल ऐसा ही है। वास्तुशास्त्र जब हम साइंस कहते हैं तो वो आप पूछोगे कि कैसा साइंस? अरे वही साइंस जो साइंस हम लोगों ने स्कूल में कॉलेज में सीखा। हमने सीखा कि पृथ्वी 23.5 अंश से ईशान की ओर झुकी हुई है। सूर्य अपने गिर्द परिक्रमा करते करते सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य के एक किरण में 7 रंगों की विविध शक्ति या ऊर्जाएं होती है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण काम करता है। पृथ्वी के पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव चुंबकीय होने के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो काम करता है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे ऋषि मुनियों की खोज है, पंच महाभूत तत्व। ये इन पंच महाभूत तत्व का न्यूटन ने भी माना है। उन्होंने शब्दशः नहीं माना लेकिन उसके पीछे का तत्व माना है। न्यूटन भी कहता है कि इस जगत में नया कुछ आता नहीं और कुछ बाहर जाता नहीं, जो भी निर्माण या विध्वंस होता है वो यहीं के तत्वों से होता है। तो उससे भी आगे जाके हमारे ऋषि मुनियों ने स्पष्ट किया, जो भी निर्माण या विध्वंस होता है ये 5 तत्वों से होता है। उन महाभूत तत्वों के ऊपर ये अपना वास्तुशास्त्र खड़ा हुआ है। वास्तुशास्त्र अगर साइंस है तो उसके प्रति भ्रांतियाँ क्यों? वास्तुशास्त्र के प्रति एक भ्रांति ये भी है कि किसी भी मकान की या किसी भी कार्यक्षेत्र की दिशा दक्षिण है। अब दिशा दक्षिण का मतलब क्या होता है? तो वास्तुशास्त्र का एक नियम है कि आप जब दिशा देखते हो तो आप वास्तु के मध्य में रहोगे। मतलब कि आपके मकान के अंदर से देखोगे कि आप बाहर जा रहे हो तब दिशा कौन सी है, आप बाहर जा रहे हो और तब दक्षिण दिशा आती है
तो फिर वो आपका जो मकान का द्वार है वो दक्षिण दिशा का कहलाएगा। और अगर दक्षिण दिशा का द्वार है तो उसको वास्तुशास्त्र में अशुभ नहीं माना है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में चारों दिशाओं को समान और सही माना है, शुभ माना है। और इसीलिए वास्तुशास्त्र के सूत्रों में पूर्व को, उत्तर को, पश्चिम को और दक्षिण को प्रवेश द्वार के लिए कौन से पद शुभ है ये बताया गया है। इसका मतलब वास्तुशास्त्र मानता है कि चारों दिशाएं समान रूप से सही है। हाँ, एक बात से जरूर फर्क पड़ सकता है कि वास्तु का स्वामी कौन है, मतलब स्वामिनी है या स्वामी है, मतलब मालिक स्त्री है या पुरुष है, और उसका कार्यक्षेत्र क्या है, इसके ऊपर कुछ बातें जरूर हो सकती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि चारों दिशाएं समान रूप से सही है, शुभ है, सिर्फ उसके प्रवेश द्वार बिल्कुल सही पद में होने चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसी तरह की अनेकों भ्रांतियाँ हैं। हम आने वाले एपिसोड में हर भ्रांति की चर्चा करेंगे, उसमें क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है, वास्तु के नियम प्रत्यक्ष रूप में क्या कहते हैं, उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। आज एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ कि जब हम एक सवाल करते हैं कि वास्तु में सोते समय सर कहाँ होना चाहिए, तो उसके तीन जवाब आते हैं। एक पूर्व को, कोई बोलता है नहीं दक्षिण को, कोई बोलता है नहीं पश्चिम को, लेकिन सारे लोग एक बात से सहमत है कि उत्तर दिशा में सर रख के सोना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों, सोचिए। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर अगले हफ्ते हम इस पर डिटेल चर्चा करते हैं।